कोरोना वायरस से भारत में होने वाली मौतों का आंकड़ा 6 हो चुका है। देश में 22 मार्च की दोपहर 1 बजे तक 348 लोग संक्रमित पाए जा चुके हैं। कोरोना वायरस से बचने के लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बन पाई है। ऐसे में WHO ने इस जानलेवा वायरस से बचने का एकमात्र रास्ता बताया है। कोरोना वायरस से बचाव में मास्क की भी बहुत अहमियत है, लेकिन मास्क कैसे इस्तेमाल किया जाए इसकी पूरी जानकारी सबके पास नहीं। चलिए हम आज आपको बताते हैं कि मास्क कब और कैसे पहनना चाहिए। अगर आपको खांसी और जुकाम है तो मास्क अवश्य पहने। भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क जरूर पहने। कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीज की देखभाल कर रहे हैं तो मास्क लगाए। मास्क पहनने से पहले हाथों को अच्छी तरीके से साफ करें। मुंह और नाक को मास्क से पूरी तरह से ढके। मास्क पहनते समय मुंह और नाक के पास कोई गैप या मास्क पहनते समय मुंह और नाक के पास कोई गैप ना रखें। मास्क पहनने के बाद इसे हाथों से ना छुएं। अगर मास्क छू लिया है तो हाथों को तुरंत साफ करें। एक मास्क को इस्तेमाल करने के बाद इसे दोबारा इस्तेमाल ना करें। मास्क को बार बार छूने से बचें। अगर आप स्वस्थ हो तो मास्क को पहनने से बचें। मास्क को आप अपने गले पर ना लटकाएं। अगर मास्क गीला हो जाए तो उसे 6 घंटे के अंदर बदल दें। जैसे मास्क पहनने का सही तरीका है वैसे ही उतारने का भी है। बाहर की तरफ से हाथ ना लगाएं। मास्क को पीछे से उतारें और डस्टबिन में डाल दें। मास्क को उतारने के बाद हाथ को सैनिटाइज करें। यह है मास्क लगाने और उतारने का सही तरीका। प्लीज इसे फॉलो करें, अपना ख्याल रखें। अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अपने व्यूज हमें कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइए।